हेलो एवरीवन, माय नेम इज मीत। आप देख रहे हैं टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब ऑल ओवर इंडिया यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं आदित्य बिरला की आई हुई लेटेस्ट वैकेंसीज के बारे में, जिसमें हर एक क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंगली वैकेंसीज आउट हुई हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, कोई फी आपको पे नहीं करनी है, ना आपका कोई एग्ज़ाम होने वाला है, और आप इंडिया में किसी भी सिटी या स्टेट से बिलोंग करते हैं, एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं, मेल एंड फीमेल दोनों ही। सो इसमें अलग अलग टाइप की वैकेंसीज आउट की गई हैं, 3 अलग अलग कैटेगरी हैं, उसमें भी अलग अलग वैकेंसीज है जिसको डिवाइड कर रखा है। अगर मैं वैकेंसीज टाइप की बात करूँ तो ऑलमोस्ट यहाँ 90+ टाइप की वैकेंसीज है जो आउट की गई हैं। सो सारा स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे, किस तरीके से अप्लाई करना है, क्या क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है, एंड अदर डिटेल्स स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। वीडियो को आपने कंप्लीट जरूर देखना है। और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, इसी तरीके से चाहते हैं हर एक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंच जाए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना, ताकि हर एक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंच जाए। बाकी इस अपडेट के अलावा और भी काफ़ी सारे डिपार्टमेंट हैं जिनकी वैकेंसीज आउट की जा चुकी हैं। आप अपनी क्वालिफिकेशन सिटी या फिर डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंगली हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.clory.com पर विजिट करके इन्फॉर्मेशन लेकर अप्लाई कर सकते हैं। लिंक वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया गया है, आप देख भी पा रहे हैं। आप इसको गूगल पे टाइप करेंगे तब भी फर्स्ट नंबर पे आपको साइट मिल जाएगी। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए डायरेक्टली बात करेंगे आदित्य बिरला की आई हुई लेटेस्ट वैकेंसीज के बारे में। सबसे पहले वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करना, आपका एक लाइक मोटिवेट करते हैं आपके लिए नए अपडेट लेकर आने का। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ एलिजिबिलिटी की बात करें, तो मैंने आपको पहले भी बताया इसमें हर एक क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंगली वैकेंसीज आउट की गई हैं, तो हर कोई आप में से एलिजिबल है, हर कोई अप्लाई कर सकता है, चाहे आप किसी भी एज ग्रुप में आते हैं। इसी के साथ चाहे आप रिजर्व कैंडिडेट है चाहे अनरिजर्व्ड है, विदाउट फी आपको अप्लाई करना है, मतलब कोई फी पे नहीं करनी है। तो इसके लिए हम ऑफिशियल वेबसाइट पर ही चलते हैं। वहाँ पर चलकर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी कौन कौन सी कैटेगरी वाइज वैकेंसीज है, किस पोस्ट के लिए किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक आपको इसी रिक्रूटमेंट का मिलेगा, लास्ट में आप देख पाएंगे इंपॉर्टेंट लिंक, पहले ही लिंक पर आपको क्लिक करना है जो कि अप्लाई ऑनलाइन का। जैसे ही आप क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो ये तीनों आप जो देख पा रहे हैं ये तीनों कैटेगरी है, इसमें आगे इन्होंने डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसीज को डिवाइड किया हुआ है जो आगे स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। हर एक के लिए एप्लीकेशन सबमिट करने का प्रोसीजर भी बिल्कुल अलग है। अब यहाँ पे तीनों कैटेगरी अगर बात करें, 3 कैटेगरी आप देख पा रहे हैं। फर्स्ट है करियर बाय बिजनेस, सेकंड है करियर बाय फंक्शन, एंड थर्ड है नॉट श्योर अपलोड रिज्यूम। मतलब इसमें काफ़ी टाइप की वैकेंसीज हैं, और अगर आपको इन वैकेंसीज के अलावा भी अदर वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना है, आपको क्या करना है, थर्ड ऑप्शन पे क्लिक करना है जो कि है नॉट श्योर अपलोड रिज्यूम। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, सिंपल सा एक फॉर्म आपको फिल करना है, आपका नेम क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर, क्वालिफिकेशन, कब आपने पास आउट की है, और अपना एक रिज्यूम अपलोड कर देना है। तो आपसे रिज्यूम से रिलेटेड भी, आपको इससे रिलेटेड जो भी अपडेट आएगा आपको कॉल आ जाएगी HR की तरफ से। इसके लिए ये सिंपल प्रोसीजर है। अब नेक्स्ट बात करते हैं ये दोनों कैटेगरीज के अलावा जो है, पहली है करियर बाय बिजनेस, करियर बाय फंक्शन, हम सेकेंड ऑप्शन पर पहले क्लिक कर लेते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। ये सारे आप डिपार्टमेंट देख पा रहे हैं, पहले आपको बता देती हूँ। पहला है लीगल डिपार्टमेंट, उसके बाद एक्सटर्नल रिलेशंस है, नेक्स्ट बात करें ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए है, उसके बाद टेक्निकल सर्विसेज के लिए है, प्रोजेक्ट्स के लिए है, मेंटेनेंस की आप देख पा रहे हैं, नेटवर्क सर्विसेज की है, पावर की है, इसके अलावा क्वालिटी मैनेजमेंट की है, रियल एस्टेट मैनेजमेंट की है, उसके बाद फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद आप देख पा रहे हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो यहाँ पर आप अलग अलग कैटेगरी वाइज देख पा रहे हैं। अब मान लीजिए हमने अप्लाई करना है थर्ड कैटेगरी के लिए जो कि ह्यूमन रिसोर्सेज की है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे न्यू पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब HR की जो भी वैकेंसीज है रिसेंटली, वो सारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अलग अलग वैकेंसीज है, अलग अलग लोकेशन वाइज है, क्योंकि इसमें हर लोकेशन वाइज वैकेंसीज आउट हुई है। अक्रॉस इंडिया आपकी इसमें जॉब लोकेशन रहने वाली हैं, कोई टेम्परेरी बेसिस नहीं है, परमानेंट आपकी ये जॉब रहने वाली हैं। वैकेंसीज आप देख पा रहे हैं, अभी हमने सिर्फ एक कैटेगरी पर क्लिक किया है, अलग अलग कैटेगरी वाइज काफ़ी वैकेंसीज है। HR की बात करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मेम्बर IR की वैकेंसीज है, सेक्शन हेड की है, साइट HR की है, एडमिन हेड की वैकेंसीज है, ट्रेनिंग मैनेजर की है, इसके अलावा DH एडमिन की वैकेंसीज है। काफ़ी अलग अलग कैटेगरी वाइज वैकेंसीज आपको देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पर
इन्होंने क्वालिफिकेशन भी डिस्क्राइब किया, क्या आपका वर्क रहने वाला है वो भी मेंशन किया हुआ है, क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है, हर एक चीज़ इन्होंने स्टेप बाय स्टेप कवर की हुई है, वो आप खुद से भी रीड कर सकते हैं। अब मान लो हमने इस कैटेगरी में पहली जॉब के लिए अप्लाई करना है, हम इस पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए इन्होंने कंपनी के बारे में, आदित्य बिरला के बारे में आप भी अवेयर होंगे, लास्ट टाइम भी वैकेंसीज आई थी, काफ़ी सारे कैंडिडेट की शॉर्ट लिस्टिंग हुई थी, इंटरव्यू हुई थी और सिलेक्शन भी हुई थी। जैसे ही आप अपने सारी डिटेल्स यहाँ से रीड कर लोगे, लास्ट में आप एक ऑप्शन देख पा रहे हैं अप्लाई फॉर दिस जॉब, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक करेंगे ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, आपको अपने सारी के सारी डिटेल्स फिल करनी है, जिसमें आपका पहला स्टेप जो रहने वाला है आप देख पा रहे हैं, या तो आप लॉग इन कर सकते हैं या न्यू यूज़र और रजिस्टर। तो अगर आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, न्यू यूज़र और रजिस्टर पर क्लिक करना है। सिंपली यहाँ पे आपको अपना नेम मेंशन करना है, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, पासवर्ड आपको मेंशन करना है, जो भी पासवर्ड आप रखना चाहते हैं। उसके बाद कंफर्म पासवर्ड एंड साइन अप पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप लॉगिन करेंगे, फिर आपको अपना यूज़र नेम और पासवर्ड मेंशन करके सिंपली लॉगिन कर लेना है। देन आपको अप्लाई करना है, जिसमें आप अपना नेम मेंशन करेंगे, अगेन आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, एज लिमिट क्या है, आपका एड्रेस क्या है, इसके अलावा जो भी रिक्वायर्ड फील्ड है वो आपको डिस्क्राइब करनी है एज इट इज़। लास्ट में आपको अपना एक रिज्यूम अपलोड करके सबमिट कर देना है, जो कि आपका सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात आपके साथ ज़रूर से शेयर करना चाहूँगी। तो आज के टाइम में आप सब जानते हैं नौकरी ना पाना एक महामारी बन चुका है, जिससे हर एक इंसान परेशान हो चुका है। खुद आप देखते होंगे, आप हर एक कंपनी में रिज्यूम भेजते हैं, ढेर सारे लोगों से आप बात करते हैं ताकि एक अच्छी सी नौकरी मिल जाए। तो आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाली हूँ जहाँ पर आपको इस स्ट्रेस से छुटकारा मिल जाएगा और यहाँ पर आपको कोई कनेक्शंस की भी जरूरत नहीं होगी, आपको डायरेक्ट इसमें जॉब मिलने वाली है। यहाँ पर मैं बात करूँ री लेवल प्लेटफॉर्म की, जहाँ पर आप सिर्फ 15 दिन में अपनी ड्रीम जॉब हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर टेक्निकल जॉब्स भी अवेलेबल है, नॉन टेक्निकल भी है, काफ़ी सारी कंपनीज इसमें इन्वॉल्व है, पेटीएम है, हाइक है, अपग्रेड है, रेजर पे है, इसके अलावा काफ़ी सारी कंपनीज है, अलग अलग प्रोफाइल में इसमें हायरिंग हो रही है। 40 लाख पर एनम तक का आपका इसमें पैकेज रहने वाला है, जिसमें आपको क्या करना है, एक सिंपल सा टेस्ट देना है, उसके टेस्ट के स्कोर के बेसिस पे आप यहाँ से गुडीज़ भी विन कर सकते हैं, जिसमें मैकबुक है, आई वॉच है, आईफोन है, इसके अलावा अदर गुडीज़ आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है, और स्कोर के बेसिस पे यहाँ पर आपको जॉब मिल जाती है। आपको कहीं भी विजिट नहीं करना, कंपनी खुद आपको सामने से अप्रोच करती है। तो इसके लिए साइनअप के लिए मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, क्लिक करके जल्दी से साइनअप करके टेस्ट के लिए आप एनरोल करें। अपना कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन करना है साइनअप के लिए, उसके बाद आपके पास ओटीपी आएगा, आपको रजिस्टर कर लेना है। सिंपली आपका जिस भी प्रोफाइल के लिए आप इंटरेस्टेड हैं, आप अपने आप को वहां से स्लॉट बुक कर सकते हैं, टेस्ट देकर आपको यहाँ पे अपनी ड्रीम जॉब मिल सकती है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं लेटेस्ट जॉब अपडेट के बारे में, अभी हम बात कर रहे हैं करियर्स बाय फंक्शन कैटेगरी की। इसमें जैसे मैंने आपको अभी एक पोस्ट पे क्लिक करके बताया है एचआर के लिए, इसमें अलग अलग कैटेगरी वाइज जिसके लिए भी आप इंटरेस्टेड है एज इट इज आपको क्लिक करना है, सारी वैकेंसीज देखने को मिल जाएंगी, जिसके लिए भी एलिजिबल है इस स्टेप को फॉलो करते हुए आपको अप्लाई करना है। तो हम सेकंड कैटेगरी की बात कर चुके हैं, अब बात कर रहे हैं फर्स्ट कैटेगरी की, जिसमें फर्स्ट कैटेगरी जो है करियर्स बाय बिजनेस है। आप उस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए आपको सारी डिटेल्स देखने को मिल जाती है, जिसमें अलग अलग इन्होंने डिवाइड कर रखी है अलग अलग डिसिप्लिन। तो हम यहाँ पे सेकेंड कैटेगरी पे क्लिक कर लेते हैं, तो यहाँ पर भी आपको डिपार्टमेंट वाइज और अपने फील्ड के अकॉर्डिंगली वैकेंसीज देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अलग अलग कैटेगरी हैं, जिसमें माइनिंग है, सीमेंट है, केमिकल्स है, बिरला कार्बन है, फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड है। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे सारी कैटेगरी है। थर्ड लाइन में आप कैटेगरी देख पा रहे हैं पेंट की, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने आपको इस अपडेट के बारे में बताया था, काफ़ी सारी कैंडिडेट की इस कैटेगरी के लिए हायरिंग हुई थी। तो हमने पेंट पे जैसे क्लिक किया तो सारी वैकेंसी जितनी भी रिसेंटली आउट हुई है इस कैटेगरी के लिए सारी आपको देखने को मिल जाती है। जैसे जब मैं वीडियो बना रही हूँ तब जो वैकेंसीज आउट हुई है, यहाँ पे हेड डिजिटल की वैकेंसीज है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, उसके बाद लीड आईटी की है, नेक्स्ट पोस्ट की बात करें फाइनेंस के लिए वैकेंसीज आउट हुई हैं फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए, उसके बाद मेंबर आईआर की वैकेंसीज है, टीम लीड की वैकेंसीज आउट की हैं, टीम मेंबर की है, रीजनल मैनेजर ट्रेड सेल्स के लिए वैकेंसीज है, उसके बाद सिक्योरिटी ऑफिसर की वैकेंसीज है, नेक्स्ट पोस्ट की बात करें एरिया सेल्स मैनेजर की वैकेंसीज है, सेल्स मैनेजर की वैकेंसीज आपको देखने को मिल जाएंगी, रिलेशनशिप मैनेजर की वैकेंसीज है। ये भी फर्स्ट पेज पे हम बात करें, सेकंड पेज पे भी इससे रिलेटेड काफ़ी सारी वैकेंसीज है जो आउट की गई हैं, वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे बिलिंग के लिए वैकेंसीज भी है, अकाउंट्स के लिए भी है, अलग अलग कैटेगरी वाइज है, मतलब हर एक कैंडिडेट आप में से अप्लाई कर सकता है। अब हम बात कर रहे हैं जिस कैटेगरी की, वो पेंट है। यहाँ पे अगर हम फर्स्ट पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, हम इस पर सिंपली क्लिक कर लेंगे एज इट इज़।
यहाँ पे आपको डिटेल्स देखने को मिल जाती है, जॉब डिस्क्रिप्शन इन्होंने मेंशन की हुई है कि आपका वर्क इसमें रहने वाला है, क्या की स्किल्स आप में रिक्वायर्ड है, वो सारा कुछ इन्होंने मेंशन किया हुआ, अदर डिटेल्स भी, क्वालिफिकेशन भी मेंशन की हुई है, आपकी रिपोर्टिंग किन को रहेगी वो तक इन्होंने यहाँ मेंशन किया है। अब मान लो आपने इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, लास्ट में आपको ऑप्शन देखने को मिल जाती है अप्लाई फॉर दिस जॉब रेफर अ फ्रेंड। अगर आप अपने फ्रेंड को भी बताना चाहते हैं तो आप यहाँ से उनके साथ शेयर कर सकते हैं। आपने अप्लाई करना है तो अप्लाई फॉर दिस जॉब पे क्लिक कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन आप देख पा रहे हैं बैक की, अगर इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं करना आप बैक जाकर अदर पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। मान लो आपने इसके लिए अप्लाई करना है, अप्लाई फॉर दिस जॉब पे क्लिक करेंगे इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। राइट हैंड साइड में आप ऑप्शन देख पा रहे हैं अप्लाई के, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको क्या करना है, लॉगिन करना है। लॉगिन से पहले आपको रजिस्टर कर लेना है अगर इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे सबसे बढ़िया बात है फ़ी कोई नहीं है, आप एक से ज़्यादा वैकेंसीज के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई एज की बाउंडेशन भी नहीं है। अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप वैकेंसीज को चेक कर सकते हैं क्योंकि हर एक कैंडिडेट की अलग अलग एलिजिबिलिटी रहने वाली है। जिस पोस्ट के लिए आप इंटरेस्टेड है अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इसमें सैलरी भी बहुत बढ़िया रहती है। अगर मैं मिनिमम की भी बात करूँ अराउंड आपकी 38,000 लेगी, मैक्सिमम इसकी सैलरी जो आप वो लैक्स में रहती है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको इसके लिए अप्लाई कर लेना है। बाकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया, विजिट करके इन्फॉर्मेशन लेकर आपको अप्लाई जरूर करना है। इसके अलावा जो वैकेंसीज आई है हमारी ऑफिशियल साइट पर विजिट करके इन्फॉर्मेशन लेकर अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।